हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शारून। तो आज भी मैं आपके लिए DRL की वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी थी दोस्तों, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि सिंपल DRL है वो कैसे लगाना है। तो आज की भी इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि DRL कैसे लगाना है। बट आज की इस वीडियो में स्पेशल ये है कि मैं DRL इंडिकेटर्स वाले लगा रहा हूँ, और पहले वाली वीडियो में इसलिए नहीं लगाए थे गाइस, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं सोचा था कुछ गलत वलत हो जाएगा तो नुकसान वगैरह हो जाएगा, इसीलिए मैंने बस ट्राई के लिए किया था वो, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरे से लग भी पाएगा या नहीं लग पाएगा, फिर भी मैंने लगाया। तो इसलिए मैं आज DRL लेके आया हूँ इंडिकेटर्स वाले, और वो मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही लगाऊंगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा था, मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही लगाता हूँ जो भी कुछ लगाता हूँ। तो मैं आपको DRL दिखाता हूँ दोस्तों, ये DRL, ये रहा, ये देख लीजिए आप, इसका बॉक्स सारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं, हाँ ये कलर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये सेंटीमीटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, और साइड में ये देखिए ये कुछ दे रखा है इसके बारे में भी, और ये देखिए यहाँ पे खाली और पीछे भी खाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कुछ थोड़ी बहुत, और ये है DRL। तो देखिए ये है इसके अंदर लाइट्स, रिले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी सर्किट है, रिले जो इसकी होती है ये ऑटोमेटिक, जब आप इंडिकेटर्स ऑन करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगी DRL से इंडिकेटर्स के अंदर। तो यही है सिंप। और दोस्तों इसकी मैं रेट के बारे में बताऊँ तो आपको, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 850 की है, मतलब 850 रुपये की है, पेयर है। अब देखते हैं, अगर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो ना, सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो खान को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए, आपको मेरी कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। और आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देखना, उसके अंदर मैंने कैसे कनेक्शन वगैरह करे हुए हैं, और वो लाइट है थोड़ी सस्ती थी वो कैसी लग रही है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हम वीडियो बनाने के ऊपर। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले वाली वीडियो के अंदर करा था कि कैसे कनेक्शन वगैरह करने हैं, कैसे लाइट खोलनी है, सब कुछ सेम है। आपने अगर देखी नहीं हो तो आप नीचे दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पहले वाली वीडियो का, आप उसको देख लेना और समझना कि कैसे करा है मैंने कैसे। ओके गाइस, तो सबसे पहले फिर हमारे को ये दोनों जो लाइट से याली और एक याली, तो दोनों को हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में लाइटों को खोलना है, और लाइटों को खोलने के बाद में उसके अंदर मैं पेंट करूंगा, पेंट के बाद में मैं DRL वगैरह जो चिपकाऊंगा इसके अंदर। तो चलिए करते काम शुरू। जो सब कुछ होगा पहले की तरह होगा, ये हमारे पास में हीट गन है, हीट गन से छुटानी है हमने, सब कुछ निकालना है, फिर उसके बाद में हमने जो अपना काम है दूसरा वो करना है, ठीक है। हाँ तो ये देखिए मैंने ये लाइट निकाल दिया, अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये अभी भी काम करती है लाइट्स जो है, ये मैं कनेक्शन करता हूँ इसके अभी, ये देखिए ये देखिए ये काम कर रही है। जैसे दोस्तों मैंने पहले वाली लाइट लगाई थी उसी तरीके से चिपकाना है इस लाइट को भी, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसको तो मैं छुटा ही देता हूँ, अब मैंने एक काम करना है, इसके ऊपर पूरे पर रिफ्लेक्टर पे मैंने पेंट मारना है। जैसे कि पेंट मारने से क्या होगा, रिफ्लेक्टर की जो लाइट होती है वो फैलेगी नहीं आपस में इधर उधर, और जो अपना DRL है फुल वाइट नज़र आएगा और फुल येलो नज़र आएगा। और ये जो पोर्शन है इस साइड का रिफ्लेक्टर है उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसके ऊपर मैं टेप वगैरह कुछ लगा दूंगा ताकि मैं पेंट करते टाइम इसके ऊपर जो ब्लैक पेंट है वो ना आ पाए। तो चलिए करते हैं इस पर पेंटिंग वेंटिंग। दोस्तों याली जो मैंने विनी होती है ये मैंने इसके अंदर लगाई है, देख पा रहे हो आप, ये पूरे में लगा दी। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, स्प्रे मारूँगा तो इसके अंदर पेंट नहीं आएगा, फिर पेंट होने के बाद में मैं इसको निकाल दूंगा तो फिर काफ़ी अच्छी लुक जो है इसको देगा। तो चलिए अब पेंट की बारी आती है, पेंट मारते हैं। ये हमारी स्प्रे कैन, मैट कलर की स्प्रे कैन है ये, तो अब इसको शेक करना है। शेक करने से दोस्तों इसका जो कलर है वो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, मतलब जब आप स्प्रे करोगे तो कलर एकदम सही निकलेगा, मतलब कि ज़्यादा नहीं निकलेगा।
गाइस मैंने जो दोनों रिफ्लेक्टर है वो मैंने पेंट कर दिए और मैंने करीबन 2-3 कोटिंग इसके ऊपर पेंट स्प्रे कराए और देख पा रहे हो आप ये सही मतलब मैट ब्लैक हो चुकी है। अगर मैं ये छुटाऊंगा इसके अंदर का जो रिफ्लेक्टर था वो पहले ही की तरह क्रोम वाला आ जाएगा और उस वाले के वो भी आप देख सकते हो तो पूरा मैंने कर दिया है, पीछे की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ब्लैक जो है दिखना इससे बस वो दिखना है आगे हमारी लाइट के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, ये मैं फेविक्विक लिए आया हूँ, 4 फेविक्विक इसके अंदर बहुत होगी और रिफ्लेक्टर का जो के ऊपर लगाने के लिए फेविक्विक अच्छी चीज़ है जो हम DRL लगाएंगे। तो चलिए DRL भी लगाते हैं। तो गाइज मैंने इसके ऊपर DRL लगा दिया, अब मैं इसका जो टेप है वो छुटा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल अंदर वाला जो क्रोम था गाइज वही नज़र आ रहा है और बाकी काफ़ी अच्छी जो इसकी पेंट हुई है। तो चलिए अब इसको चेक किया जाए, तो चेक करता हूँ मैं। इसी तरह का दोस्तों दूसरा वाला भी हमने वो भी मैंने कर लिया है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैंने इसका जो ग्लास है आगे का वो लगा दिया, अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कनेक्शन इसमें कैसे करने। देख पा रहे हो आप काफ़ी अच्छा लुक दे रही है पहले वाले ऐसे, तो चलो कनेक्शन की बारी अब करते हैं। तो कनेक्शन दोस्तों हमें ऐसे करने हैं, जो हमारा पार्किंग वाला बल्ब होता है उसमें से 2 वायर निकालनी है हमने, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और पॉजिटिव में हमने रेड वायर लगानी है और नेगेटिव जो हमारा उस पर हमने ब्लैक वायर लगानी है। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, और येलो वायर जो है उसको हमने एक लंबी वायर जोड़ लेनी है जो हमारे इंडिकेटर के जो बल्ब होता है उसकी पॉजिटिव वायर के अंदर लगाने के लिए। तो इसको मैं टेप करने के बाद में फिर मैं आपको इंडिकेटर वाला जो वायरिंग है उसका बताता हूँ। तो चलिए मैं टेप करता हूँ इसको। दोस्तों मैंने इस पर टेपिंग कर ली है, अब ये जो हमारा डस्ट कवर होता है उसके अंदर से हमने वायर निकालनी है, ये हमारी जो इंडिकेटर्स की। इसको करने के बाद में ये हमारी जो वायर्स है गाइस हमारी इसके अंदर आ जाएगी और ये हमारा मतलब कि पूरे अच्छे से लग जाएगा। तो इसे होल में ये कराएं कि अगर मैं वहाँ से ना लेता तो ये हमारे को वायर वगैरह जो काटनी पड़ जाती, तो इसीलिए ये सबसे अच्छी जो जगह है वो सही है। उसको वायर को हमने जैसे तैसे करके यहाँ पर ले जाना है और इंडिकेटर्स का जो पॉजिटिव जो वायर होती है हमने उसको उससे कनेक्ट कर देना है। तो इसके अंदर कोई नेगेटिव वायर नहीं लगनी, मतलब कि इंडिकेटर्स के लिए वो नेगेटिव वायर्स ऑलरेडी वहाँ से हमने कनेक्ट कर चुके हैं और बस यहाँ से हमने कनेक्शन देने हैं पॉजिटिव को। तो दोस्तों अब मैं इंडिकेटर के कनेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। दोस्तों आप जो ये सॉकेट देख रहे हैं ना, ये सॉकेट है, ये इंडिकेटर का सॉकेट होता है जिसके अंदर इंडिकेटर होल्डर लगता है। तो जैसे कि आप इसको देख पा रहे हो इसके अंदर एक डार्क वायर होती है और एक लाइट कलर की वायर होती है। जो लाइट कलर की वायर है वो हमारी पॉजिटिव की वायर होती है, ये जो हमारी ब्लू वाली वायर है, और जो इसके अंदर है ये ब्लैक वायर है वो हमारी नेगेटिव है। तो हमने ये जो पीछे से हमारी जो DRL की इंडिकेटर वाली वायर है वो गाइस हमने इसके अंदर लगानी है ऊपर। आप देखना कि इसके अंदर कौन सा कलर जो है ब्लू वाला है, तो इसके अंदर ऊपर से ऊपर आ रहा है, तो इसके अंदर मैं याला लगा देता हूँ इसको। तो तार नहीं काटनी है हमने इसके अंदर, इसको ऐसे करना है और बल्ब लेना है, बल्ब को पुश कर देना है अंदर। तो बस सिंपल से कनेक्शन है दोस्तों, ये देखिए एक वायर लेनी है बस हमने और इसके अंदर लगानी है, और यही हमने बल्ब है मैंने लाइट लगा दी है। देखो पहले से मतलब कितना अच्छी इसके अंदर जो गेटअप आ रहा है वो अलग ही नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्टर अलग नज़र आ रहा है, इंडिकेटर है वो अलग नज़र आ रहा है, बल्ब उसका अलग नज़र आ रहा है, DRL वो जो है इसके अंदर अलग नज़र आ रहा है। पहले वाली आपने DRL देखी थी, मैंने उसके अंदर बताया था कि मैं इसके अंदर पेंट वगैरह करूँगा तो उसका जो रिफ्लेक्टर है काफ़ी वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और DRL की जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मेन रीज़न यही था ब्लैक करने का, और जो आजकल की जो नई गाड़ी आ रही है वो सब ब्लैक करके दे रही हैं ताकि गाड़ी की फिनिशिंग और अच्छी लगे और जो लाइट है उसके अंदर भी मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट आए। देखते दोस्तों वो इसके अंदर आगे लग गई है, वो मैंने सॉकेट इसके अंदर लगा दिया और जो अंदर की वायर्स है ये अंदर की वायर्स यहाँ से निकल रही हैं और ये अंदर है इसके जो बल्ब वगैरह लगा हुआ है पायलट बल्ब, और इसके कनेक्शन यहाँ पर लग गए, और ये जो लाइट्स हैं वो नीचे जो लगा रखे मैंने ये इसकी लाइट्स के कनेक्शन है, देख पा रहे हो। तो इसके अब मैं हेडलाइट फिटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको जला वला के दिखाऊँगा।
कि कितनी पावरफुल लाइट है। मैं आपको देखो दिन में दिखाता हूँ इसकी रोशनी, वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है ब्लैक के साथ में, ब्लैक रिफ्लेक्टर के साथ में। ये देखिए, और दूसरा वाला दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दूसरा वाला भी कुछ इस तरीके से नज़र आता है। देखिए ये सही नज़र आ रहा है भाई, पहले वाले से तो मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले वाले के मतलब जब मैंने शाम में शूट करा था तो उसके अंदर काफ़ी कम रोशनी में दिख रहा था, बट इसकी क्या है, इसकी हाई रोशनी में भी दिख रहा है। आप देख पा रहे हो ये इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर पे वर्क कर रही है। ये देखो, ये देख लिए, ये ऑरेंज जल रही है, मैंने पार्किंग जला रखी है इसकी। ये देख पा रहे हो आप, अब मैं राइट इंडिकेटर दूंगा गाइस। हाँ तो गाइस, अब मैं देखो रात में टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप ये देख पा रहे हो ये इंडिकेटर्स पे काम कर रहा है। अब जैसे कि पार्किंग ऑन करूँगा जो इसका वाइट DRL है वो ऑन होएगा। तो चलिए हम पार्किंग पे अब दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हो। अब देखो इसका इंडिकेटर चलाता हूँ मैं, इंडिकेटर चला, ये देखो। अब दूसरी साइड का चला, ये देखो गाइस फुल वर्क कर रहा है ये टोटली। अब ये देखिए इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, जो लाइट्स है गाइस इसकी काफ़ी अच्छी लाइट है, पहले वाली से तो काफ़ी अच्छी है जो इसका DRL है। खैर थोड़ा कॉस्टली है, ज़्यादा नहीं, 350 रुपये का फ़र्क है, और बट उसी के अंदर जो है रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा ही है। अगर मैं वैसे देखना चाहूँ तो वैसे भी इसका जो लाइट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी दे रही है, देख पा रहे हो आप। तो पहले क्या था रिफ्लेक्टर के अंदर, ये देख पा रहे हो, अब इसकी जो रिफ्लेक्टर की हड्डी है दोस्तों वो क्रोम नहीं है, अब मैंने ब्लैक कर दिए, तो इस वजह से ये पूरी जो इसका DRL है वो नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जो इसकी ब्राइटनेस है और भी ज़्यादा वो जो है विजिबल हो रही है, देख पा रहे हो। आई होप यू गाइज इन्जॉय द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेटिंग माई नेक्स्ट वीडियो।